नमस्कार, एसएस लोकल लाइव में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी समाचार पत्रों व समाचार चैनलों के माध्यम से आप ये सभी जानते होंगे कि इस समय भारत में कोरोना वायरस की दस्तक हो चली है। वहीं इस वायरस के भारत में फैलने की जानकारी के बाद स्वास्थ्य महकमा अधिकारी भी हरकत में आ गए हैं। वहीं अगर बात करें चीन की, तो स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या अब तक 106 के करीब पहुंच चुकी है। वहीं इस वायरस से संबंधित निमोनिया के अब तक 4515 मामले सामने आ चुके हैं। अब देखिए हमारी ये खास पेशकश। जानिए क्या है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ होना जैसी समस्या हो सकती है। वहीं इस वायरस को पहले भारत में कभी भी नहीं देखा गया। जानिए कहां से हुई थी इस वायरस की शुरुआत। कोरोना वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ है, जिसके बाद तिब्बत को छोड़कर चीन के सभी प्रांतों से कोरोना वायरस के मामले सामने आए। थाईलैंड में 7, जापान में 3, दक्षिण कोरिया में 3, अमेरिका में 3, वियतनाम में 2, सिंगापुर में 4, मलेशिया में 3, नेपाल में 1, फ्रांस में 3, ऑस्ट्रेलिया में 4, श्रीलंका में कोरोना वायरस का एक मामला सामने आया। जानिए क्या है कोरोना वायरस के लक्षण। कोरोना वायरस का लोगों पर संक्रमण होने के बाद लोगों को बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या हो सकती है। वहीं यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है। इस वायरस को लेकर सुनिए क्या कुछ कहा एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने। एम्स हैज एन आइसोलेशन वार्ड वेयर वी हैव बेड्स केप्ट फॉर पेशेंट्स हु इन केस दे आर सस्पेक्टेड टू हैव द नोवल कोरोनावायरस कैन बी केप्ट। And we have all precautionary measures for healthcare worker, including PPE, that is personal protection equipment, hand sanitizers, masks available, so that the infection doesn't spread to healthcare workers or to other people in the community. If need be, if there is a large number of cases, we have the capacity to increase our isolation facility and be able to provide care to more and more patients if that is required. वहीं उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ चुका है और कोरोना वायरस को लेकर आइसोलेशन वार्ड बनाए जा चुके हैं। कोरोना के लिए एडवाइजरी शासन के स्तर से हमको भी जारी हो चुकी है, सभी जिलों को जारी हो चुकी है, खास करके जो हमारे बॉर्डर जिले हैं नेपाल के, इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी उसके में वार्तालाप हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस का कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वैक्सीनेशन इसका अभी तक बन नहीं पाया है और इसके पर्टिकुलर कोई मेडिसिन भी नहीं है कि इस मेडिसिन को देने से ये ठीक हो जाता है। अतः इसमें जानकारी लोगों को हो, बचाव के तरीके अपनाएं लोग, हमारे स्वास्थ्यकर्मी भी बचाव के तरीके अपनाएं और ख़ास करके एयरपोर्ट पे और जो हमारे रूट से दूसरे देशों से रूट के माध्यम से ट्रैवल कर रहे हैं उनका हम लोग चेकअप के लिए प्रबंध किए हुए हैं। देखिए, सेंटर से नोटिफिकेशन आया था कि ये डिजीज़ पैनिक हो रहा है चाइना में, तो कहीं हम पहले से तैयार रहें कि जब दिक्कत नहीं आई है फिर भी उससे पहले ही तैयारी अपनी जितनी हो सकती है हमने करके रखी हुई है इधर। इसलिए हमने एक वार्ड मेंटेन किया है जिसमें 24 बेड्स हम पे अवेलेबल हैं और हम जो भी जरूरतें हैं वो शुरुआत कर दी हम लोगों ने। जानिए कोरोना वायरस से बचाव के उपाय। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य महकमों के अनुसार हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल करें, खांसते व छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, कोल्ड और फ्लू के लक्षण वाले व्यक्ति से दूरी बना के रखें, अंडे व मांस के सेवन से परहेज करें, जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर आपसे मिलेंगे कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।